गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, डेट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट पार्ट। अब एक बार देखिए, जब हमने कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर सॉल्व किया था तो हमने ऑर्थोगोनल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स में उसके कंपोनेंट्स लिए थे u1, u2, u3। अब सिलेंड्रिकल के अंदर हम लेंगे r थीटा z, क्योंकि हम सिलेंड्रिकल में शुरू से ही r थीटा z लेते हैं, तो r थीटा z आ गए इसके कंपोनेंट्स। अब सेकेंड थिंग हम क्या देखेंगे, उसमें जो हमने वेक्टर ऑपरेटर के अंदर वैल्यू ली थी 1/H1 कर्ल बाय कर्ल u1, 1/H2 कर्ल बाय कर्ल u2, 1/H3 कर्ल बाय कर्ल u3, ये वाली। इसके अंदर अब की बार वेक्टर ऑपरेटर के अंदर u1, u2, u3 तो क्या है, वही r थीटा z, और h1, h2, h3 की इस बार वैल्यूज है 1, r एंड 1। सिलेंड्रिकल के अंदर h1, h2, h3 हम 1, r और 1 लेते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ ये वाली जो वीडियो है ये टोटली कर्वी लीनियर पे डिपेंडेंट है, तो पहले वो देखिए उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो नॉर्मली हमने इसके अंदर क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, यानी कि अब की बार हमारे पास u1 r है, यानी कि जहाँ पे भी वहाँ पर हमने u1 यूज़ किया था, अब की बार हमने r यूज़ करना है। u2 इज इक्वल टू थीटा, u3 इज इक्वल टू z, एंड h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू r, एंड h3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसके बाद इन दोनों को मिला के हमारे पास जो वेक्टर ऑपरेटर की वैल्यू आएगी वो क्या थी, 1/H1 कर्ल बाय कर्ल u1, h1 तो 1 है तो कर्ल बाय कर्ल r, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट सिर्फ यही, कॉमा 1/H2, h2 की जगह r आएगा, कर्ल बाय कर्ल थीटा। नेक्स्ट 1/H3, h3 की जगह यहाँ पर 1, कर्ल अपॉन कर्ल z, ठीक है, ये आई हमारे पास वेक्टर ऑपरेटर की वैल्यू। अब f के कंपोनेंट्स को निकालने के लिए एक बार हम वैल्यू देख लेते हैं, हमने कर्वी लीनियर के अंदर f की वैल्यू क्या ली थी, डैट इज f इज इक्वल टू कर्ल q अपॉन में कर्ल t, जहाँ पर q वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस में वेक्टर ऑपरेटर हाफ ऑफ q स्क्वेयर, प्लस में कर्ल q क्रॉस यहाँ पर दोनों ही जगहों पर जहाँ जहाँ भी क्यू है वहाँ पर वेक्टर का साइन आएगा। अब देखिए इसके बाद एज इट इज़ जैसे कर्वी लीनियर में किया था, सबकी वैल्यूज़ निकाल दीजिए, और एफ़ के कंपोनेंट्स f1, f2, f3 हैं ही सही, तो सीधा हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब एक बार इसको और सिंप्लीफाई लिखें तो कर्ल क्यू क्या है, एक्साई, तो एक्साई क्रॉस क्यू लिख लीजिए, या कर्ल क्यू क्रॉस क्यू, बात एक ही है, तो एक बार इसको लिख भी लेते हैं, कर्ल क्यू बाई कर्ल टी प्लस हाफ ऑफ क्यू स्क्वेयर प्लस एक्साई क्रॉस क्यू। अब वन बाय वन हमें इन तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कर्ल क्यू बाय कर्ल टी। अब देखिए इस बार क्यू के कॉम्पोनेंट्स तो क्या हैं, q1, q2, q3, वही सेम एज इट इज़ जस्ट लाइक कर्वीलीनियर, तो कर्ल बाय कर्ल टी ब्रेकेट के अंदर आएगा q1 आई कैप प्लस q2 जे कैप प्लस q3 के कैप, ठीक है। इसके बाद देखिए अलग से अगर हम सेपरेट कर दें, सॉरी e1, e2 एंड e3, क्योंकि i, j, k नहीं लेते हम कर्वी लीनियर में, सिलेंड्रिकल में e1, e2, e3 ही लेते हैं, तो एक बार अगर हम इसके कॉम्पोनेंट्स देखें तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट तो क्या आ जाएगा, कर्ल q1 बाय कर्ल t एज इट इज, e2 का कोफिशेंट कर्ल q2 बाय कर्ल t, e3 का कोफिशेंट कर्ल q3 बाय कर्ल t, सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो सब पर वेक्टर का साइन। अब वेक्टर ऑपरेटर हाफ ऑफ q स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक इजी काम क्या करते हैं हम, एज इट इज़ वही करना है जो कर्वीलीनियर में किया, सिर्फ h1, h2, h3 की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दीजिए। तो अगर हम कॉम्पोनेंट्स इसके डायरेक्ट लिख दें जो हमने उसके अंदर प्रूफ किया था, तब भी हम कर सकते हैं, वरना दोबारा भी निकाल के दिखा सकते हैं, मैं यह दोबारा निकाल के दिखा रही हूँ।
देखिए ये चीज़ हम यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। हाफ बाहर आया, वेक्टर ऑपरेटर बाहर, क्यू स्क्वेयर यानी कि इवन का कोफिशेंट इवन से मल्टीप्लाई, ई टू का कोफिशेंट ई टू से मल्टीप्लाई एंड ई थ्री का ई थ्री से मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट क्यू वन स्क्वेयर प्लस क्यू टू स्क्वेयर प्लस क्यू थ्री स्क्वेयर, यही आ गई इसकी तीनों वैल्यूज। अब इसके अंदर हमें इस ऑपरेटर की वैल्यू पुट करके इनका प्रोडक्ट करना है। इसकी वैल्यूज निकालते हुए देखिए, ये हमने उसी पेज से एज इट इज लिखा और फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, कर्ल अपॉन कर्ल आर, सेकेंड टर्म इवन कैप प्लस वन अपॉन आर कर्ल बाय कर्ल थीटा, आर थीटा जेड तीन कॉम्पोनेंट थे, ई टू कैप प्लस एच थ्री क्या था वन, तो वन अपॉन तो वन ही आएगा, यहाँ पर भी वन था और यहाँ पर कर्ल बाय कर्ल जेड, आर थीटा जेड तीन बन गए। इसके बाद Q1 का स्क्वायर, Q2 का स्क्वायर, Q3 का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसके बाद इसको भी अगर हम कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में लिख के ऑलरेडी रख दें तो हमें आगे काम आएगा। तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या आएगा, हाफ ऑफ कर्ल बाय कर्ल आर Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर प्लस Q3 स्क्वायर, ये पूरा कंपोनेंट तो आया फर्स्ट बार ब्रैकेट। सेकंड कंपोनेंट आएगा वन अपॉन टू आर कर्ल अपॉन कर्ल थीटा क्यू वन स्क्वायर प्लस क्यू टू स्क्वायर प्लस क्यू थ्री स्क्वायर। देखिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी ये है स्केलर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी। जब इस स्केलर को इसके साथ प्रोडक्ट किया तो इवन के साथ जब डॉट प्रोडक्ट किया तो हाफ ऑफ कर्ल बाय कर्ल आर एज इट इज़, और इसके साथ ये पूरा लिखा जाएगा ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में, ऐसे ही उससे नेक्स्ट टर्म में। तो थर्ड टर्म आ गई वन अपॉन, यहाँ पर तो वन ही है तो सिर्फ टू आएगा, टू ये बाहर वाला कर्ल बाय कर्ल जेड और क्यू वन स्क्वेयर क्यू टू स्क्वेयर प्लस क्यू थ्री स्क्वेयर, ब्रैकेट्स बंद। हमारे पास वेक्टर ऑपरेटर डॉट हाफ ऑफ क्यू स्क्वेयर की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, चेक करते हैं किसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें निकालनी है इसके अंदर एक्साई क्रॉस क्यू की वैल्यू। तो एक्साई क्रॉस क्यू की वैल्यू को निकालने से पहले अगर हम एक्साई की वैल्यू निकाल लें तो इट्स मोर बेटर। तो एक्साई की वैल्यू देखते हैं। अब एक्साई की वैल्यू इतने लॉन्ग कट में निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम उसको निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन कर्वी लीनियर के अंदर, तो हमें इसके अंदर दोबारा उसे नहीं निकालना। अगर सिर्फ इसी चीज़ का प्रूफ आ जाए तो हमें वो निकाल के दिखानी है, लेकिन मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इसलिए दोबारा नहीं समझा रही, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रही हूँ। एक्साई वन एक्साई टू और एक्साई थ्री की वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी। अब देखो एक्साई की वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमने क्या किया, एक्साई की पहले मैंने एज इट इज़ जो हमने कर्वी लीनियर के अंदर वैल्यूज़ प्रूफ करके दिखाई थी वो मैंने एज इट इज़ लिख दी। इनके प्रूफ की रिक्वायरमेंट हो तो पार्ट वन के अंदर आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए इस केस के अंदर सिलेंड्रिकल के केस में हम एक बार फिर देख लेते हैं, H1, H2, H3 हमने किस चीज़ को मान रखा है, 1 R और 1 है इसमें वैल्यूज़, और U1, U2, U3 की वैल्यूज़ हमारे पास हैं R, थीटा, Z। तो हमें सिर्फ एक सिंपल सा काम करके दिखाना है, इनकी जस्ट वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। तो हम देखेंगे एक्साई, देखिए एक्साई के कंपोनेंट्स हम वैसे देखें तो एक्साई वन एक्साई टू और एक्साई थ्री आएंगे। तो या तो हम एक बार और सिंपलर फॉर्म में हो तो एक्साई वन एक्साई टू एक्साई थ्री लिख लें, जहाँ पर एक्साई वन ई वन का कंपोनेंट कॉफिशेंट, एक्साई टू ई टू का कॉफिशेंट और एक्साई थ्री ई थ्री का कॉफिशेंट। तो एक्साई वन तो क्या आएगा, जो इस चीज़ को सॉल्व करके आएगा, आप देखिए क्या आएगा, वन अपॉन एच टू एच थ्री, एच टू एच थ्री का प्रोडक्ट आर, कर्ल अपॉन कर्ल यू टू, यू टू इज थीटा, एच वन क्यू थ्री, वट इज एच वन, वन क्यू थ्री इज क्यू थ्री, ठीक है, माइनस कर्ल अपॉन कर्ल यू थ्री, वट इज द वैल्यू ऑफ यू थ्री, कर्ल जेड, एच टू आर क्यू टू क्यू टू, कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद सेकेंड कॉम्पोनेंट हमें एक्साई टू निकालना है। एक्साई टू के लिए देखिए बाहर के एच वन इंटू एच थ्री यानी कि वन, तो उसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कर्ल बाय कर्ल देखिए U3 है, U3 की वैल्यू सब्सिट्यूट की हमने Z आएगा मल्टीप्लाई के अंदर, H1 Q1, H1 1,
q1 as it is minus curl by curl u1, what is the value of u1 r, h3 q3, what is the value of h3 1 और q3 as it is, ठीक है। सिर्फ हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। xi3 की वैल्यू, xi3 के अंदर बाहर क्या आएगा, 1 अपॉन h1 h2, h2 इज r एंड h1 इज 1, तो 1 बाय r आ गया बाहर। अब देखिए कर्ल बाय कर्ल, u1 है तो u1 को r से रिप्लेस किया हमने, h2 q2 यानी कि r q2 माइनस u2 आएगा थीटा, h1 q1 व्हाट इज h1 1 q1 इज q1, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास xi1 xi2 xi3 की आ गई, जो क्या है कंपोनेंट्स ऑफ xi। अब देखिए हम xi1 xi2 xi3 को थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, कैसे। r थीटा z हमारे पास क्या थे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और हमारे पास q1 q2 q3 क्या है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। तो देखिए इसको अगर और सिंपलीफाई करके लिखें तो 1 बाय आर कर्ल Q3 बाय कर्ल थीटा, ये तो एज इट इज। अब सेकेंड टर्म के अंदर देखिए, इसके अंदर UV रूल हम लगा सकते हैं क्योंकि दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट है ये। तो सबसे पहले देखिए कर्ल बाय कर्ल z, एक बार फर्स्ट वाली टर्म के साथ सेकेंड एज इट इज, तो सेकेंड हमने रखी एज इट इज। हमारे पास इसको डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करने के बाद, यूवी लगाने के बाद ये वैल्यू आई। अब देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट और लास्ट फंक्शन तो ठीक है, बीच वाली टर्म क्या है कर्ल आर बाय कर्ल जेड, बट आर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जेड, सो कर्ल आर बाय कर्ल जेड इज जीरो, तो ये वैल्यू तो कट, सिर्फ ये दो टर्म्स आई, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर देखिए कर्ल बाय कर्ल जेड, बाहर कुछ है नहीं 1/r या आर समथिंग, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, कर्ल q1 अपॉन में कर्ल जेड, ठीक है। माइनस में यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा आर नहीं है, तो कर्ल Q3 अपॉन में कर्ल आर, सिंपली ये वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में देखिए हमें क्या करना है, 1 अपॉन आर बाहर एज इट इज, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट करके देखिए, इस पे यूवी रूल जब लगाया तो कर्ल आर बाय कर्ल आर 1, यानी कि ये जब हमने Q2 एज इट इज रखा और कर्ल आर बाय कर्ल आर किया तो 1 बन गया, प्लस आर को एज इट इज कर्ल Q2 बाय कर्ल आर, ठीक है। इस पे तो लग गया यूवी रूल। नेक्स्ट सिंगल है वैल्यू, तो कर्ल Q1 बाय कर्ल थीटा एज इट इज, ये आ गई xi1 xi2 और xi3 की वैल्यूज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, xi क्रॉस क्यू की थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिख सके, इसीलिए तो हमने xi1 xi2 और xi3 निकाले थे। मेन हमारा जो मोटिव है xi क्रॉस q की वैल्यू ही निकालना ही था। अब देखिए xi क्रॉस q की वैल्यू के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट रो के अंदर यूनिट वेक्टर्स दैट इज e1 कैप e2 कैप e3 कैप, ठीक है। रो टू के अंदर जो xi के हमें कंपोनेंट्स लिखने हैं वो एज इट इज़ हम यही लिखेंगे, सबसे पहले xi1 का कंपोनेंट, सॉरी xi का फर्स्ट कंपोनेंट xi1 लिखेंगे एज इट इज़। देखिए ये लिख लिया हमने xi के कंपोनेंट्स, अब q के कंपोनेंट्स r3 में आएंगे, q के कंपोनेंट्स है q1 q2 एंड q3। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें e1 के साथ क्या आएगा, दिस इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट माइनस दिस, ठीक है। ऐसे e2 के लिए इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस दिस, और e3 के लिए इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस दिस। देखिए e1 की मैं लिख के दिखा रही हूँ, q3 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो q3 पहले एज इट इज वेक्टर क्वांटिटीज हैं सारी, मल्टीप्लाई के अंदर कर्ल q1 बाई कर्ल z माइनस कर्ल q3 बाई कर्ल r, ठीक है। माइनस में इस पूरे को क्यू के साथ प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो Q2 स्क्वेयर अपॉन में R, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो यही आएगी, सेकेंड टर्म इसको Q2 के साथ प्रोडक्ट, Q2 कर्ल Q2 बाय में कर्ल R, नेक्स्ट टर्म इज Q2 बाय में R कर्ल Q1 अपॉन में कर्ल थीटा, ठीक है। अब E2 के कंपोनेंट को निकालने के लिए इन दोनों के प्रोडक्ट की, यानी कि इस पूरे वेक्टर को Q1 के साथ मल्टीप्लाई, वही लिख रखा है, माइनस में इन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस Q2
क्यू थ्री बाय में आर क्यू कर्ल क्यू थ्री बाय कर्ल थीटा वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब इसके बाद हमें निकालनी है ई थ्री की वैल्यू, ई थ्री का कंपोनेंट क्या आएगा। सिमिलर वे के अंदर सिर्फ डिटर्मिनेंट खोलना है जो हम क्लास 11 से करते आ रहे हैं, ई थ्री के साथ इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, ये हमने लिख दी क्यू थ्री की वैल्यू। अब फाइनली हमें निकालने हैं एफ़ के कंपोनेंट्स। तो एफ़ के कंपोनेंट्स के अंदर एफ़ वन एफ़ टू एफ़ थ्री तो हैं, एफ़ के कंपोनेंट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इनमें सब की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले कर्ल क्यू बाई कर्ल टी का फर्स्ट कॉम्पोनेंट यानी कि एफ़ वन को लिखने के लिए हम इसका फर्स्ट टर्म का फर्स्ट कॉम्पोनेंट उठाएंगे यानी कि कर्ल क्यू वन बाई कर्ल टी। तो देखिए फर्स्ट कॉम्पोनेंट हमने लिखा कर्ल क्यू वन बाई कर्ल टी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट यानी कि इस वाले टर्म का फर्स्ट कंपोनेंट, इस वाले टर्म का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, दिस वन इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑपरेटर हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर, तो ये एज इट इज लिख देंगे हम। अब थर्ड वैल्यू पे आएंगे, थर्ड इज एक्साई क्रॉस क्यू, एक्साई क्रॉस क्यू का फर्स्ट कॉम्पोनेंट लिख देंगे जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्साई क्रॉस क्यू इसका फर्स्ट कंपोनेंट ये था, ये पूरा ही लिखना है हमें, ठीक है। इवन कैप नहीं लिखेंगे साथ में क्योंकि जब हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो कंपेयर के अंदर इवन कैप नहीं आता क्योंकि इवन कैप तो एफ वन कैप के साथ भी था, एफ वन इवन कैप लिखते हैं हम, तो एफ वन के साथ भी इवन कैप था, तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब हम सिर्फ एफ वन लिख रहे हैं तो इवन कैप को हम नहीं लिखेंगे। देखो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा एक्साई क्रॉस क्यू का फर्स्ट कॉम्पोनेंट एज इट इज लिख दिया। अब क्या F1 कंपोनेंट की इतनी लंबी वैल्यू आएगी, तो आंसर है नहीं, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे, अभी देखिए ये तो हम ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही हमने लिख रखा है, सिर्फ हमें सेकंड टर्म को और सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है, तो देखते हैं कैसे। देखो फर्स्ट टर्म तो हम लिखेंगे एज इट इज प्लस में, सेकेंड टर्म लिखने से पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो Q1 का विद रिस्पेक्ट टू R डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर Q1 नहीं Q1 स्क्वायर है, देखिए क्या आएगा Q1 स्क्वायर तो 2 आगे अपॉन 2 वाला 2 एज इट इज, Q1 आएगा पहले कर्ल Q1 अपॉन में कर्ल R, ठीक है। इसी टाइप से ही तो हम करते हैं सॉल्व, Q1 आगे कर्ल Q1 बाय कर्ल R, ऐसे ही सेकेंड टर्म को सॉल्व करना है। देखिए सबका यहाँ पे टू तो कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि हर टर्म के अंदर टू आएगा आगे और ये बाहर वाले टू से कैंसिल, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी कर्ल क्यू टू बाई कर्ल आर, थर्ड टर्म आएगी क्यू थ्री बाई कर्ल आर, ठीक है। अब बाकी टर्म्स देखिए बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो इसके अंदर कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसके बाद इसको भी हम क्या मल्टीप्लाई करके भी तो लिख सकते हैं ना, तो क्यू थ्री कर्ल Q1 वन बाई कर्ल जेड माइनस क्यू थ्री कर्ल क्यू थ्री बाई कर्ल में आर, जहाँ जहाँ पर Q1, Q2, Q3 है वहाँ हर जगह पर वेक्टर का साइन आएगा, ठीक है। अब ये दो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है, अब माइनस में Q2 का होल स्क्वायर बाई आर सॉरी स्क्वायर माइनस Q2 कर्ल Q2 टू बाई कर्ल आर प्लस Q2 टू बाई आर कर्ल Q1 वन बाई में कर्ल थीटा। अब इसमें से कौन से टर्म्स कैंसिल होंगी, ध्यान से देखिए Q1 वन कर्ल Q1 वन बाई कर्ल आर कहीं पे है टर्म नहीं है, सेकेंड Q2 टू कर्ल Q2 टू बाई कर्ल आर एज इट इज़ यही टर्म यहाँ लिख रखी है कैंसिल, Q3 थ्री कर्ल Q3 थ्री बाई कर्ल आर यही टर्म यहाँ पर है कैंसिल, Q3 थ्री कर्ल Q1 वन बाई क्यू कर्ल जेड नहीं है, नेक्स्ट ये दोनों टर्म्स भी यूनिक है इस एक्सप्रेशन के अंदर रिपीट नहीं है। तो सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है मतलब इन टर्म्स को कैंसिल आउट करके वो आएगी कर्ल क्यू वन बाई कर्ल आर, ये वाली टर्म बच गई है क्यू वन कर्ल क्यू वन बाई कर्ल आर ये दोनों कैंसिल, थर्ड टर्म बच गई है कर्ल क्यू वन बाई कर्ल जेड, दिस वन क्यू टू कर्ल क्यू वन बाई यहाँ पर आर कर्ल थीटा मैंने ये वाली लिखी, पहले मैं सारी वो टर्म्स लिखी मैंने जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव है और उसके बाद क्यू टू स्क्वेयर बाय में आर, आप सभी को भी इसी टाइप से अरेंज करके लिखना है, पहले पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म्स उसके बाद माइनस में क्यू टू का स्क्वेयर अपॉन में आर।
अब देखो F1 कंपोनेंट की वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमेशा हम F1 कंपोनेंट की वैल्यू इतनी बड़ी लिखेंगे? तो नो, आपको सिर्फ इसको शॉर्ट के अंदर एक्सप्रेस करना है। वो कैसे? देखिए, इन सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स की टर्म में से क्या कॉमन है? Q1। देखिए यहाँ पर भी पार्शियल डेरिवेटिव Q1 का है, यहाँ पर भी Q1 का, यहाँ पर भी Q1 का, लास्ट टर्म को छोड़ के। तो इस पूरे ऑपरेटर को हम कुछ नाम देंगे, यानी कि सिर्फ Q1 को रिमूव करके जो बाकी का ऑपरेटर बच गया उसे हम नाम देंगे, यानी कि d/dt जो वैल्यू है वो हम रख रहे हैं curl/curl r की। यहाँ पर Q1 को रिमूव करके क्या बच गया? Q1 curl by curl r प्लस Q3 curl Q1 by curl z प्लस Q2 by r curl Q1 by curl थीटा। ठीक है, ये तो हमने इस पूरे डिफरेंशियल ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दी। सॉरी, यहाँ पर Q1 नहीं आएगा और यहाँ पर भी Q1 नहीं आएगा। ठीक है, बाकी की टर्म्स लिखनी है, सिर्फ ऑपरेटर लिख रहे थे इसलिए Q1 नहीं आया। अब F1 क्या है, कंपेयर करके देखिए। इस पूरे ऑपरेटर को अगर Q1 से प्रोडक्ट कर दे तो F1 बन जाएगा, माइनस में ये करना, तो dQ1/dt माइनस में Q2 square upon r, दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ F1। अब हम सेकेंड कॉम्पोनेंट F2 की वैल्यू को निकाल रहे हैं। F2 की वैल्यू को निकालने के लिए वही सेम काम करना है, फर्स्ट जो वैल्यू थी curl Q1 by curl t, इसका सेकेंड कॉम्पोनेंट हम लिखेंगे। और ये curl Q by curl t कहाँ से आई? देखिए, यहाँ पर F की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट कॉम्पोनेंट था दिस, तो इसकी वैल्यू फर्स्ट कॉम्पोनेंट है क्यू का Q1, सेकेंड Q2, तो अब की बार F2 में तो हमें सेकेंड कॉम्पोनेंट यूज करना है, तो फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू आएगी Q2 by curl t। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, हमें हाफ ऑफ क्यू स्क्वेयर के ऊपर अगर वेक्टर ऑपरेटर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर दे उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू भी हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। उसकी वैल्यू क्या थी? इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो वो आई थी, यानी कि इसके सेकेंड कॉम्पोनेंट, ये वाली पूरी वैल्यू हमें इसके अंदर लिखनी है। अब इसके बाद जो थर्ड वैल्यू है हम वो कौन सी लेंगे? थर्ड वैल्यू देखिए हमने कौन सी यूज़ की थी, एक्साई क्रॉस क्यू का भी हम सेकेंड कॉम्पोनेंट लिख देंगे। एक्साई क्रॉस क्यू का सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या है? ये पूरा हम एज इट इज़ वैल्यू इसकी वहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब ये यहाँ तो हमने एज इट इज़ इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब एज इट इज़ जैसे हमने F1 के अंदर सेकेंड वाले टर्म को और सिंप्लीफाई किया था, इसमें भी हमें वही काम करना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म के लिए हमें क्या करना है, इसको खोलो। देखो Q1 का स्क्वायर का इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 2Q1 curl Q1 by curl थीटा, तो 2Q1 curl Q1 by curl थीटा अपॉन में 2R एज इट इज़ है ही। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, 2Q2 curl Q2 by curl थीटा अपॉन में 2R एज इट इज़। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, 2Q3 2R curl Q3 अपॉन में कर्ल ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 कैंसिल और यहाँ से भी 2 कैंसिल। अब ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ लिखनी है, डैट इज़ प्लस Q1 Q2 अपॉन में r प्लस Q1 curl Q2 by curl r माइनस Q1 by r curl Q1 by curl थीटा माइनस Q3 by r curl Q3 by curl थीटा प्लस Q3 curl Q2 by curl z। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी टर्म एज इट इज़ कैंसिल हो रही है। फर्स्ट टर्म कहीं पे रिपीट है? नहीं। सेकेंड टर्म रिपीट है, ये इससे कैंसिल। थर्ड टर्म कहीं पे रिपीट है, Q2 curl Q2, दिस टर्म, ये वाली टर्म भी कहीं पे नहीं है। थर्ड वाली, इसके बाद जो फोर्थ टर्म है Q3 by r curl Q3 by curl थीटा, ये रिपीट है। ये देखिए, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो ये विल कैंसिल, ये बच जाएगी, क्योंकि ऐसी Q1 Q2 टाइप की कोई टर्म नहीं है। यहाँ पर Q1 curl Q2 by r, ये वाली टर्म भी कहीं नहीं है, क्योंकि एक यही टर्म बच गई, और ये वाली टर्म भी ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही। तो जो ऐसी टर्म्स थी जो नहीं हुई कैंसिल, वो हम दोबारा लिख देंगे। हमने इसके अंदर वो वाली टर्म्स लिख दी जिन टर्म्स की वैल्यू कैंसिल नहीं हुई थी। अब सेम टू सेम हमने देखिए F1 के अंदर d/dt की वैल्यू क्या लिखी थी,
ये जो हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर था इसकी वैल्यू आई थी कर्ल बाय कर्ल टी प्लस क्यू वन कर्ल बाय कर्ल आर प्लस क्यू टू बाय आर कर्ल बाय कर्ल थीटा प्लस क्यू थ्री कर्ल बाय कर्ल जेड। यही वाला डिफरेंशियल ऑपरेटर F2 में भी यूज़ होगा और F3 में भी, क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक बार देख भी लीजिए वेरीफाई के लिए कि क्या यही वैल्यू है। इस पूरे को हमें आपकी बार Q2 से प्रोडक्ट करना है, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी कर्ल Q2 by कर्ल T सेम, सेकेंड टर्म Q1 कर्ल by कर्ल R ये वाली टर्म आएगी, थर्ड Q2 by R कर्ल Q2 by कर्ल थीटा ये वाली टर्म, एंड नेक्स्ट इज Q3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं F2 की हमारे पास वैल्यू क्या आई इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को Q2 के साथ ऑपरेट करने के बाद जो वैल्यू आई है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा टर्म बच गई थी वो क्या है Q1 Q2 अपॉन में R, उसको हम अलग से लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई F2 की वैल्यू। अब लास्ट वैल्यू रह गई F3 की। F3 की वैल्यू को निकालने के लिए इस वाले का थर्ड कंपोनेंट आएगा, यानी कि ये वाला कर्ल Q3 बाय कर्ल T। देखिए मैंने एज इट इज़ कर्ल Q3 बाय कर्ल T लिख दिया। इसके बाद सेकेंड टर्म के लिए इस चीज़ को सॉल्व करके जो आया था उसका थर्ड कंपोनेंट, यानी कि इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो इसका थर्ड कंपोनेंट ये था, यही वैल्यू हमने एज इट इज़ बिल्कुल यहाँ पर कॉपी कर दी, ठीक है। अब आती है थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू क्या आएगी एक्साई क्रॉस क्यू का थर्ड कंपोनेंट। एक्साई क्रॉस क्यू का थर्ड कंपोनेंट है ये पूरा हमने एज इट इज़ वहाँ पर कॉपी करना है, ठीक है। मैंने एज इट इज़ उस चीज़ को कॉपी कर दिया। अब इसके बाद देखिए जैसा F1 F2 में किया थर्ड वाली सेकेंड वाली टर्म को हमने और सिंप्लीफाई करना है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड वाली टर्म को जब सिंप्लीफाई किया तो Q1 का स्क्वायर का हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू X, तो क्या आएगा आगे 2 देन Q1 कर्ल Q1 बाय कर्ल Z अपोन में 2, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या आएगी 2 आगे, देखिए Q2 बाय 2 कर्ल Q2 बाय कर्ल Z एज इट इज़ ए टर्म, यहाँ पे भी 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 कैंसिल। इसके बाद थर्ड वाली टर्म क्या आ जाएगी 2 Q3 बाय 2 कर्ल Q3 बाय कर्ल ऑफ R, 2 आगे Q3 अपॉन में 2 और कर्ल Q3 बाय कर्ल T। इसके बाद जो टर्म आएगी वो है Q2 अपॉन में R कर्ल Q3 बाय में कर्ल R, ठीक है। इसके बाद माइनस Q2 कर्ल Q2 बाय में कर्ल Z माइनस Q1 कर्ल Q। अब ये वाली जो मैं टर्म्स लिख रही हूँ ये तो एज इट इज़ लिख रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही हैं, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन सी टर्म्स ऐसी है जो आपस में कैंसिल हो सकती हैं। फर्स्ट टर्म कहीं पे भी रिपीट नहीं है, सेकेंड टर्म Q1 कर्ल Q1 बाय कर्ल Z ऐसी टर्म कहीं पे है, यस दिस इज़ द सेम टर्म। Q2 कर्ल Q2 बाय कर्ल Z ऐसी टर्म कहीं पे रिपीट है, Q2 ये वाली टर्म नहीं, इसमें नीचे कर्ल आ रहा है ये वाली टर्म है ये सेम है बिल्कुल। इसके बाद थर्ड टर्म Q3 कर्ल Q3 बाय कर्ल R ये भी कहीं रिपीट नहीं है, Q2 बाय R कर्ल Q3 बाय कर्ल R ये भी रिपीट नहीं है और ये भी रिपीट नहीं है। तो सॉल्व करके जो वैल्यू आई वो है, वो टर्म्स लिख देंगे इसके अंदर जो हमारे पास बच गई। हमारे पास ये चार टर्म्स बच गई हैं, ठीक है। अब ये जो चार टर्म्स हैं इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म के अंदर कैसे लिख सकते हैं। d by dt की हमारे पास वैल्यू क्या थी, d by dt is equals to curl by curl t plus q1 curl by curl r plus q1 q2 में से क्या आ जाएगा q2 by में r curl by curl r q3 वाला क्या आ जाएगा q3 curl by curl z। देखिए यहाँ पर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था इन वाली टर्म्स को तो थर्ड टर्म में क्या आया था 3Q3 2Q3 by 2 और curl Q3 by curl Z आना था यहाँ पर, तो as it is ये वाली टर्म नीचे कहाँ पर गई, यहाँ पर भी Z आएगा और यहाँ पर भी Z आएगा, ठीक है। तो कहीं पर अगर F1 F2 F3 के अंदर मिस्टेक आई भी है तो
डिफरेंशियल ऑपरेटर तक जाते जाते वो ठीक हो जाती है, क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर तीनों ही कॉम्पोनेंट्स का सेम है। ठीक है, अब देखिए इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को हमें याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इतना कोई ये मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखिए हमने इसकी वैल्यू में कर्ल बाय कर्ल टी लिखा, ये वैल्यू बहुत ईजी है क्योंकि एफ के जो वैल्यू थी उसका ये फर्स्ट कॉम्पोनेंट। अब देखिए इन तीनों टर्म्स को हम कैसे लिख रहे हैं, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री सीक्वेंस में, अपॉन में इसके वन है, इसके वन है, इसके आर है, यानी कि एच वन एच टू एच थ्री सीक्वेंस में, और आर थीटा जेड। बहुत आसानी से हम इसे याद कर सकते हैं, इसमें लर्निंग वर्क कुछ नहीं था, सिर्फ सीक्वेंस में अंदर हमने क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एच वन एच टू एच थ्री और आर थीटा जेड जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स से वो लिख रखे हैं। अब ध्यान से देखिए एफ वन में भी कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा टर्म थी, एफ टू के अंदर भी, लेकिन इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं बची, तो एफ थ्री कैन बी रिटर्न एज डी क्यू बाय में डी टी, क्यू भी कौन सा थ्री। ठीक है, अब इतना भी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बार अगर मैं यहीं पर ही आपके एफ वन और एफ टू की वैल्यू दोबारा लिख दूँ, क्या क्या आई थी। एफ वन की वैल्यू तो हमारे पास आई थी डी बाय क्यू डी टी माइनस क्यू स्क्वेयर बाय में आर, और एफ टू की वैल्यू क्या आई थी डी क्यू टू बाय में डी टी प्लस में क्यू वन क्यू टू बाय में आर। ठीक है, ये हमने इस पेज पे तीनों वैल्यूज़ लिख दी जो एफ वन एफ टू एफ थ्री तीन कॉम्पोनेंट्स की आई थी। एक बार एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा है जो करें या ना इसकी कोई कंपल्शन नहीं है, बट समझ लीजिए Q1, Q2, Q3 इन तीनों के अंदर हमने Q के ये कॉम्पोनेंट्स लिए हुए हैं, लेकिन काफ़ी बार हम Q के कॉम्पोनेंट्स क्या यूज़ करते हैं, U, V, W। तो अगर हम Q1, Q3 और Q2 को इन तीनों कॉम्पोनेंट्स को हम रिप्लेस कर दें U, V, W से, तो आंसर U, V, W वाला भी सही आएगा और Q1, Q2, Q3 वाला भी, सिर्फ रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है। देखिए तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, Q3 वाला dW by dt और यहाँ पर क्या बन जाएगा F1 बन जाएगा dQ1 by dt माइनस में, सॉरी Q1 को U पुट करना है, dU by dt V square by में R, और यहाँ पर dV by dt प्लस में UV by में R। यहाँ पर हमारा ये प्रूफ कॉम्पोनेंट्स का जो हमने वैल्यूज थी वो निकाल ली, उसको यू वी में रिप्लेस करना है या नहीं वो हमारी खुद की चॉइस है। तो यहाँ पर ये वाला आर्टिकल कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक आएगा वो है कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स।